फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपार रसोई में आपका स्वागत है और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू पालक की सब्जी। पालक को मैंने पहले ही वॉश कर लिया है, काट के अच्छे से और साफ पानी से वॉश किया है। और धनिया भी मैंने काट के रख लिया है और वॉश कर लिया पहले, और आलू भी मैंने काट के रख लिए हैं पहले से ही। सबसे पहले पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने डाल दिया है, ऑयल को हम गरम होने देना है थोड़ी देर। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। और प्याज हमने पहले से ही काट के रख लिया था। प्याज को हमें हल्का ब्राउन करना है। फ्रेंड्स, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, टमाटर और लहसुन। तीनों को एक साथ मिक्स करके डाल देंगे। और हमें यहाँ पर लहसुन की जो मात्रा है वो ज़्यादा लेनी है, क्योंकि पालक की सब्जी में लहसुन का यूज़ ज़्यादा होता है और इससे जो पालक की सब्जी है वो हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और अच्छी बनती है। मतलब इसमें लहसुन का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है, तो इसलिए हमें लहसुन का यूज़ ज़्यादा करना है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। हमने एक चम्मच लाल मिर्च लिया है और एक चम्मच सूखा धनिया पाउडर और एक चम्मच हमने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। और आधा चम्मच हल्दी। अब इनको हमें अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जो हमारा मसाला है वो जले ना। थोड़ा सा पानी डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। फ्रेंड्स, हमने जो इसमें पानी डाला था वो अब सूख गया है। अब हम इसमें डालेंगे पालक। अब इसमें हम सारी पालक डाल देंगे अच्छे से। और आलू भी डाल देंगे। और धनिया भी, तीनों हमें एक साथ मिक्स करके डाल देना है। और इसे हमें अच्छे से ढक के रख देना है ताकि हमारी जो पालक है वो बैठ जाए अच्छे से। फ्रेंड्स, पालक हमारी बैठ चुकी है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए बंद करके रख देंगे, ढक के रख देंगे मतलब। फ्रेंड्स, पालक का जो पानी है ये हमें अच्छे से सुखाना है। फ्रेंड्स, गैस का जो फ्लेम है वो हमें मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना, और मीडियम फ्लेम पर ही हमें पालक की सब्जी को बनानी है। फ्रेंड्स, सब्जी को हमें बीच बीच में मिक्स करते रहना है अच्छे से। सब्जी अभी बनने वाली है। फ्रेंड्स, पालक का जो पानी है वो सूख चुका है, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। हमें लहसुन थोड़ा और डालना है ऊपर से भी ताकि पालक का जो टेस्ट है वो अच्छा है और बहुत टेस्टी बनेगी पालक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू भी हमारे पक चुके हैं। फ्रेंड्स, आलू और पालक की सब्जी हमारी बन चुकी है, अब हम गैस का फ्लेम है वो बंद कर देंगे।
फ्रेंड्स अब हम इसे सर्व करके खा सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बनी है पालक आलू की सब्जी। और फ्रेंड्स मेरी जो रेसिपी होती है वो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से होती है, जिसे कोई भी आसानी से बना सकता है। अगर अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाय दोस्तों, बाय बाय।